मुजफ्फरपुर में अपराधियों का हौसला बुलंद। नगर थाना के सामने से शिक्षिका की गले से छीना चेन। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मंगलवार को बाइक सवार अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए शिक्षिका से चेन झपट लिया। वे स्कूल जा रही थी। अपराधियों ने नगर थाना के ठीक सामने चेन छिनतई की घटना को अंजाम दिया। वे स्कूल जा रही थी, इसी दौरान बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद महिला ने नगर पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। मामले में नगर डीएसपी राघव दयाल का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। अपाचे सवार दो बदमाश थे, उनको चिन्हित किया जा रहा है। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, कार्रवाई की जा रही है। इधर शिक्षिका ने पुलिस को बताया कि उनका नाम कृष्णा सिंह है। वे काजी मोहम्मदपुर थाना के कलम बैग चौक के समीप की रहने वाली है। नगर थाना के तिलक मैदान स्थित मध्य विद्यालय में शिक्षिका है। वे स्कूल जा रही थी, इसी दौरान नगर थाना के दूसरे गेट के समीप पहुंची थी। इसी दौरान सामने अपाचे सवार दो व्यक्ति आ गए, अचानक से सामने आकर गले से चेन झपट लिया। उन्होंने शोर मचाया, लेकिन बदमाश मोती झील की ओर फरार हो गए। दोनों की उम्र करीब 40 वर्ष के आसपास की होगी। बाइक चलाने वाला हेलमेट पहन रखा था, ब्लू जीन्स और जूते पहने थे, जबकि पीछे वाले युवक ने लाल रंग की शर्ट और ब्लू रंग की जीन्स पहन रखी थी, उसने हेलमेट नहीं पहना था। घटना के बाद उन्होंने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। पुलिस जाँच में जुट गई है। सुबह में कहां से कहां जा रहे थे, पहले ये बताइए। हम सुबह स्कूल जा रहे थे, तिलक मैदान रोड थाना के ठीक सामने बाएं से हम जा रहे थे। दो बाइक वाला आया और वहां पर रोक के मेरा गला का छीना और निकल गया। जब तक हम बोले तब तक वो निकल चुका। हल्ला किए तो दो चार आदमी निकले उधर से, तो वही लोग बोले कि जाके थाना में कम्प्लेन कराइए। जाके थाना में कम्प्लेन किए हैं, वो लोग बोले हैं हम लोग पैदल जा रहे थे। हम पैदल जा रहे थे, वो लोग बाइक पर सवार था, आराम से आया, छिल के भाग गया। एकदम थाना के दहिना गेट पर बाएं से। हाँ, कितना उम्र रहा होगा कौन अपराधी? अब वो लगभग अब 40 से ऊपर का होगा, 40-50 के बीच का मोटा मोटी अंदाज। हाँ। किधर भागा हो? वो मोती झील तरफ चला गया। मोती झील के? हाँ, वो टावर की तरफ से आ रहा था। हाँ, टावर तरफ से आ रहा था। चेहरा खुला हुआ था कि बंद? चेहरा खुला हुआ था। जी। गाड़ी हुई का कलर देखिए कौन सा गाड़ी है? वो ध्यान नहीं था, हल्का आ रहा है, ब्लैक था। ब्लैक कलर का बाइक। चिल्लाए नहीं मचाए? नहीं, हम जैसे चिल्लाए हैं हे करा, तब तक वो निकल गया, तो दो चार आदमी उधर से आया। वही थाना। क्या लग रहा थाना के सामने घटना हो जाना? क्या कहा जाए, हम तो एकदम स्तंभ रह गए, समझ में ही नहीं पाए क्या हो रहा है। आए दिन सुन रहे हैं हमेशा हम टीचर का, तो टीचर के जैसे कि पीछे ही पड़ा हुआ है लोग। टीचर का टाइम टेबल है, सब लोग पहले से सेटिंग किया रहता है या क्या, जो भी हो यहाँ तो हड़बड़ी रहता है। हम लोग अपने टाइम से भागे, स्कूल पर ध्यान रहता है, सोच ही नहीं पाए कि ऐसा भी होगा, लेकिन जब हो गया तो मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से। अब पुलिस से तो यही करते हैं, उस पर जरा ध्यान दिया जाए। बहुत कठिन समय हो गया है टीचर लोगों का, समय पर जाना, समय पर, और ऊपर से ये हो गया, बताइए अचानक ये कैसे लोग क्या करे। दहशत बन गया है टीचर में, आए दिन सुनते हैं टीचर को ऐसा हो रहा है, ये तो बहुत। गोली उली मार दिया था चेन छिन। हाँ, पिछले बार सुने हैं टीचर को, वही जब देखा कि सामान भी ले लिया, गोली भी मार दिया। बहुत दहशत हो गया है, कैसे क्या किया जाए। ड्यूटी भी उतना ही जरूरी है। कितने का चेन था आपको? मेरा लगभग 10 ग्राम का होगा। हाँ। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम कृष्णा सिंह है। घर कहाँ होगा? घर कलमबाग चौक जसवाल कंपाउंड में है। हम राजकीय मध्य विद्यालय तिलक मैदान स्कूल में शिक्षक हैं। क्या है? नगर थाना क्षेत्र में सुबह में ही नगर थाना भवन के पास में ही एक पैदल जा रही महिला का बाइक झपट करके एक बाइक पर सवार व्यक्ति महिला का चैन झपट करके भाग गया था। इस संबंध में नगर थाना में मामला प्रतिवेदित हुआ है। नगर थाना के पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरा खंगालते हुए उनका फुटेज निकाल कर आगे कार्रवाई की जा रही है। पहचान हुई है? अभी पहचाने हुई सीसीटीवी फुटेज खोजा जा रहा है, निकाला जा रहा है, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।